सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग हैं मैकलॉडगंज में। अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30। हम लोग होटल में आए, चेक इन किया, नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सब लोग अभी पीछे रेडी हो रहे हैं। और यार यहाँ का व्यू देखो, पीछे है ना मस्त। हम लोग सुबह को अराउंड 8 बजे आए थे, यहाँ पर पहुँचे थे। अभी जल्दी जल्दी करके हम लोगों ने किया है। तो चलो मैं मिलता हूँ नीचे। स्कूटी रेंट अंदर ये थोड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा ओके ओके थैंक यू। स्कूटी का रेंट है देखो, पर स्कूटी का जो रेंट आता है 500 रुपये है, और 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो बाद में मिल जाएगा। तो वी आर टेकिंग इट। यार ब्रेकफास्ट करके निकले और इतना वाहियात ब्रेकफास्ट मैंने कभी नहीं खाया। मतलब ना कोई टेस्ट था, चाय में चीनी नहीं थी, पराठे में नमक नहीं थी, राइस में भी कोई टेस्ट मसाला नहीं था। तो मैं तो यार रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए या फिर कुछ भी खाने के लिए। ऐसी जगह जाओ जहाँ पे भीड़ हो। मतलब भीड़ होने से क्या होता है कि लोग वहाँ पे जा रहे हैं, खा रहे हैं, दे लाइक द फूड राइट। ये वाला खाली भी था तो, और हमें बहुत तेज़ भूख भी लगी थी इसलिए हम लोग चले गए। बट कोई नहीं, अभी इसे ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर स्कूटीज, उसके बाद व्हील राइड। मैं अपना GoPro का जो हेलमेट माउंट होता है वो लाना भूल गया, तो मोटो ब्लॉग नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। बट कोई नहीं, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। पहले इंस्पेक्शन कर लेते हैं ये सब जो स्क्रैचेस है। तो मैं देखता हूँ ये वाली स्कूटी के लिए, लुक्स नाइस, स्क्रैच एंड ऑल देख लेते हैं। ए पपी, हे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, ये जो स्क्रैचेस है ये देख लेने पड़ते हैं पहले से। वी आर गोइंग टू वर्ड भागसुनाथ टेम्पल और स्कूटी चला के यार बहुत मज़ा आ रहा है। पहाड़ों पे अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तुझे कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मैं भी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, अलग एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो व्यू रहता है, ठंडी ठंडी हवा रहती है, दैट फील्स। पर व्यू पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते जो चला रहा है स्कूटी। एग्जैक्टली, नहीं तो वादियों में ही खो जाओगे। सही बात है। तो ये रहा सामने मंदिर, चलो चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको भी फनी स्टोरी बताऊंगा मैं। अच्छा, कि यहाँ पे पानी इतना ठंडा होता है, मैं जोश जोश में कूद गया था पानी में। अच्छा, लड़कियों के आगे। अच्छा, और उसके बाद मैं गया तो अकेला था, निकाला 4 बंदों ने। ओके, यस। तबीयत भी ठीक थी ठंडे पानी में डूबने के बाद? भाई उस वक्त शॉक लगा था भाई मुझे। इसी में मैं यहाँ से आया था, इधर से। अच्छा, मैं भागता हुआ आया, ये 6 फीट डीप है ये। ओके, आया वहाँ से भागता हुआ, यहाँ पे सारे में लड़कियाँ थी भाई। अच्छा, मैं आया वहाँ से भागता हुआ, तुम्हारा भाई कूदेगा। कूद गया, ये 5 सेकंड 10 सेकंड बेंच बाहर ही नहीं आया, 4 बंदों ने निकाला मुझे। और यहाँ बंदा नहीं, पारस तो बोल रहा था स्विमिंग करेगा जाकर। स्विमिंग नहीं यार, पर पैर में डाल देखते कितना ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। तो ये जो जगह है, यहाँ पे आप कॉइन डाल के विश मांग सकते हो। तो हम लोग भी कॉइन डालेंगे एंड वी विल मेक अ विश। ये रहे ना पारस, तो 2 रुपए जा अटक गया ना घूमो ना पहले।
दिस इज द वॉर मेमोरियल। यहाँ पे देखो खाने का भी कितना अच्छा जगह है। ओके, हियर इज सम इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का। ट्राई करने वाले छोले कुलचे एंड बर्गर, यहाँ पे अंकल बना रहे। थैंक यू अंकल। धर्मशाला स्टेडियम चलते हैं। रात उनसे पहले जाना हुआ। कितना बजा अभी भाई? बहुत टाइम है। दो भी नहीं बजा अभी तो। Thank you. पहाड़ों से घिरा हुआ है ये पूरा स्टेडियम, ठीक है? तो अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं। देख तो ले पास से। लग रही है धीरे बोल रही है। अरे रुको भैया, तो स्टोरी सुनते भैया। बताइए ना, सचिन तेंदुलकर से मिले कितने साल से आप यहाँ? 2000 ये पहला बॉली बाउंसर है। 2000 ये तो पहला बॉली बाउंसर मारा। 14 इयर्स से इधर आओ। इसके मुंह पे लगना चाहिए। पहला बॉली बाउंसर मारा इसके मुंह पे। पूरी खुदाई हुई है स्टेडियम में, बट लुक एट द व्यू ऑफ द स्टेडियम, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। सो डैम ब्यूटीफुल यार, इस स्टेडियम में आके मैच देखने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब इट इज़ सो डैम ब्यूटीफुल। पूरा माउंटेन का व्यू है, यहाँ पे क्रिकेट मैच चलता होगा। ईडन गार्डन से इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब बड़ा है, यहाँ का ग्राउंड थोड़ा छोटा है, बट इट इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो गाइस 13 किलोमीटर की राइड करके हम लोग पहुंच चुके हैं नकदी। यहाँ पे बहुत सारा देखो, सनसेट पॉइंट है, ट्रैकिंग है, वाटरफॉल है, बहुत ही सही जगह है।
यहाँ पे पहले हम लोग इस कैफे में तो यहाँ पे पहले हम लोग इस कैफे में खाएंगे मोमोज, ठीक है। यहाँ पे अपनी यहाँ पे अपनी मोमोज बन रही है सनराइज कैफे। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे गरम गरम मोमोज। उससे धुआं निकल रहा है यार, ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पब्लिक टॉयलेट की तरफ। ओ भाई यहाँ का व्यू, गॉड डैम इट, दिखाता हूँ। वाओ, इट्स जस्ट वाओ, नज़ारा देखो गाइस, सो फकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पे आके आपको इतनी पीस मिलेगी ना, इतनी शांति है। मतलब सिटी का जो ट्रैफिक जाम, आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट काम एंड क्वाइट एंड वेरी पीसफुल। इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ ताकि किसी को डिस्टर्ब ना करूँ, ठीक है। माय गॉड, अभी चलो मोमोज एंजॉय करते हैं। ये एक और व्यू पॉइंट है गाइस, शिट यार। हाँ, एक नंबर है यार। ए आप ध्यान से देख, ये जो पहाड़ है ब्लैक वाला, उसके पीछे जो पहाड़ है वो है मेन है ना, जो जिस पे बर्फ है। हाय 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 हाय, इस व्यू इस वेदर में यार ये ना जन्नत है। बताते रह जाना और मोमो खत्म हो जाएंगे। Let's give them a try. बड़े ठंडे होंगे, खा ले। ओए मोमो, ओए मैगी वहां खाने चलते हैं। वहां पे हाँ, अभी यहाँ पे खाएंगे मैगी। और यहाँ का व्यू देखो, ठंड लग रही है भाई।